हरि ओम आइए भाई, थोड़ा सा समय का सदुपयोग कर लें। हमारे अभिला साहब ने निवेदन किया कि कोई भजन आइए, हम भजन करते हैं किसी के द्वारा, भजन करते हैं मन से और श्रवण करते हैं कानों से, और मन और उसको समझते हैं बुद्धि से, और इस सारी घटना को देखते हैं साक्षी भाव से। अर्थात हमारे आपके अंदर भगवान ने मन भी लिया भजन करने के लिए, बुद्धि लिया समझने के लिए, और साक्षी दिया इनको सबको देखने के लिए। आइए हम अपने मन को समझाते हुए मन से निवेदन करें कि हे मन, विषयों में न जा, जाना है तो राम के पास जा। कारण क्या है उसका, देखो क्या हुआ। एक बार की चर्चा, राजा अकबर जो है वो एक फकीर के यहाँ पहुँचा। उस समय फकीर महाराज जो थे वो अपने बाग में कुछ कर रहे थे, उनकी पत्नी दरवाजे में बैठी थी। अकबर गया, उनका भाई मेरा फकीर से मिलना चाहते। उनका अच्छा महाराज बैठ गया। उनका नहीं नहीं भाई बैठ जाएंगे, इसको चिंता नहीं, आप जरा उनको निवेदन कर लीजिए, बुला लीजिए। उनका महाराज बैठ के जाएंगे कम से कम। अरे उनका अच्छा अच्छा निकलो, मैं हमारे पास है क्या, फकीर हूँ क्या, होता क्या, अंदर से चटाई लाएगी सारी बिठा दिया। ऐसा गद्दा था उनके पास, किसी तरह से मिल गया भीख मांगने से, वो भी गद्दा बिछा दिया। बैठिए बैठिए बैठिए, वो बुलाती हूँ। अरे भाई क्या बात, आप बुलाओ तो मैं उनके इंतजार में खा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँगा, तुम जाओ। अच्छा आज ऐसा आपको नहीं आया था, मैं आसन में हूँ या आसन में हूँ, जहाँ गए गई बेचारी मजबूर हो गई और जा रही है अपने पद्म के पास। पद्म महाराज पता नहीं आज कहाँ तक कोई क्या आ गया है, और मैं बार बार उससे विनय करती हूँ, बैठ जाइए बैठ जाइए, अब वो बैठता नहीं। अरे योगी का बस तुम ये नहीं जानती, जानती हो कौन आया है, मुझे मालूम है वो आया है महाराज जो है उसको अकबर नाम से बोला, और कोई राजा तुम्हारे घर में आए और तुम उसको फटी चादर बिठाओ तो कभी बैठ सकता, उसके लिए सोने का सिंहासन चाहिए, राज सिंहासन चाहिए, ऐसे नहीं बैठेगा वो, तुम जानती नहीं हो। चलो मैं आ रहा हूँ, कहने का भाव क्या है, ये हमारा मन कहीं बैठता है ना, क्यों नहीं बैठता, क्योंकि उसको बैठने का उचित साधन नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ दरोगा जी आ जाए, हम लोग खड़े हो जाएंगे, और शायद वही दरोगा योगी जी के पास पहुँच जाए, फिर क्या होगा, बैठ जाएंगे दुख से इंतजार करेंगे, वही जाकर के वहां पर खड़े हो जाएंगे, और क्या करें किस हालत में, कहीं बिल्कुल जरा सा जो है कहने का भाव क्या है, भाव हमारा ये है कि जब तक इस मन को परमात्मा रूपी बादशाह, परमात्मा रूपी योगी के हम पास ले नहीं जाएंगे, तब तक ये बैठने वाला एक ही रास्ता है, जब तक हम इसको भगवान से जोड़ेंगे नहीं तब तक ये बैठने वाला नहीं। इसलिए नीला कहती है, नीला अपने मन को परमात्मा की ओर ले जा रही है, क्योंकि ये बैठता नहीं। हमारा भी यदि मन को बैठाना है तो आपको परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा कहने का है। आइए हम एक भजन के माध्यम से इस मन को बैठाने का प्रयास करें। क्या है, गोलन का भजन है।
मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। कैसे? सदि कुसंगो सत्संग बैठे तो ये करते हैं। सदि कुसंग हमें कहा उसका क्या करना है? कुसंग का कलि कुसंग सत्संग बैठ नित नित, ये नहीं कि आज हो गया ब्रह्मचर्य खत्म, लक्षण हो गए खत्म। नित्य हमें आपको भगवान की आराधना के बाद बैठना होगा, तब ये मन काबू में आएगा। नित्य हमें कुसंग से बचना होगा, तब ये मन काबू में आएगा। कलि कुसंग सत्संग बैठ नित हरिचर्चा सुन लीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। इसने कहा क्या होगा? काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सो दीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु दिल घर नागर अरे ताहे के रस में भीजे, ऐसा पी जैसे शराबी शराब को पी करके अंदर को भीगे जाता है। अब आपने देखा होगा कि कपड़े में भी भीग जाता है और फिर क्या होता है कि बस बदहोश हो जाता है, मस्त हो जाता है ऐसे। लेकिन उस रस में और इस रस में, उस शराब में इस शराब में अंतर क्या है कि कैसा भी शराबी होगा सुबह का पीना और शाम को उतर जाएगी, लेकिन यदि राम का रस पी गया तो कहते हैं जिंदगी नशे से गुजर जाएगी। इसलिए मनुआ राम नाम रस पीजे, कभी को संगो सत्संग बैठने तो हंसर्चा सुन लीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को अरे बहा चित्त सो दीजे, मनुआ मनुआ राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अरे ताही के रस में भीजे, मनुआ ताही के रस में भीजे, मनुआ मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। वृंदावन हरि लाल की जय। मन चाहते हुए भी कुछ अच्छी बातें हरी चर्चा श्रम इस समय में जाती है तो कुछ ना कुछ पता नहीं कौन सा सब तो जो है बोध करा दे। सुबह के श्रम बोला में हरी चर्चा के योग आध्यात्मिकता संदेश और चलते हैं प्रधानमंत्री उद्दीप प्रणव।